चोट, जिसे सब बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको चोट लग ही जाती है, और चोट लगने पर आप क्या करते हैं? नजदीकी क्लिनिक या हॉस्पिटल जाते हैं और चाहते हैं कि वहां आपका बेहतरीन इलाज हो। अगर आपको लगता है कि उस जगह ये संभव नहीं है तो आप दूसरी जगह ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के लिए खेलने वाले क्रिकेटर हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका इलाज वही होगा जहां नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि NCA चाहेगी, और उनका यही चाहना आजकल टीम इंडिया के लिए परेशानी बन गया है। कैसे, जानेंगे आज स्पोर्ट्स टॉप में। लेकिन उससे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी, ऑल इंग्लैंड ओपन 2023। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु पहले ही राउंड में हार गई। बुधवार 15 मार्च को हुए विमेन सिंगल्स मैच में चीन की जांग यी मेन ने उन्हें हराया। बैडमिंटन रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 9 पर मौजूद सिंधु इस साल के अपने तीसरे टूर्नामेंट में पहले दौर से ही बाहर हो गई। उन्हें दुनिया की नंबर 17 खिलाड़ी ने 21-17, 21-11 से हराया। वहीं विमेंस डबल्स में गायत्री गोपीचंद और ट्रिसा जोली की जोड़ी ने 46 मिनट तक चले मैच में थाई जोड़ी को 21-18, 21-14 से हराया। दूसरी सुर्खी, भारतीय सीनियर पुरुष टीम के हेड कोच का बयान आया है। टीम इंडिया 22 मार्च 2023 से लगभग 9 महीने बाद घरेलू सरजमी पर हीरो ट्राई नेशन फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए उतरने वाली है। इस टूर्नामेंट से पहले कोच इगर स्टिमाच ने कहा कि उनकी टीम इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए पूरी जान लगा देगी। इम्फाल में टूर्नामेंट खेलने के लिए जाने से पहले भारतीय टीम ने कोलकाता में 5 दिन का कैंप भी किया है। तीसरी सुर्खी है स्विमिंग चैंपियनशिप से। भारत के श्री हरि नटराज ने 53वें सिंगापुर नेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में मेंस 100 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट में 55.60 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता है। चौथी सुर्खी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट के सीनियर कोच अब्दुल रहमान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है। उनके साथ ही पूर्व तेज गेंदबाज जुवर गुल को टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है। दोनों कोच अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज में ये जिम्मेदारी निभाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीरीज का आगाज 24 मार्च से शारजाह में होना है। अब लौटते हैं बड़ी खबर पर। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आखिरी टेस्ट में टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए। 2 दिन फील्डिंग के बाद उन्होंने कमर में तकलीफ की शिकायत की। उन्हें तुरंत स्कैन के लिए अस्पताल में भेजा गया। वहां पता चला कि श्रेयस को NCA में रिहैब के लिए भेजने की जरूरत है। इस चोट का असर यह हुआ कि श्रेयस अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। अब BCCI का मेडिकल स्टाफ श्रेयस अय्यर की चोट पर नजर रखे हुए है, जिससे पता चल सके कि श्रेयस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए हैं या फिर वो IPL में भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि श्रेयस IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान भी हैं। श्रेयस के बारे में ये भी जान ले कि वो हाल ही में इसी चोट से उभरे थे, और वो ऐसे कोई पहले प्लेयर नहीं है जो चोटिल होकर फिट घोषित हुए हों और फिर दोबारा से चोटिल हो गए हों। हाल के दिनों में कई प्लेयर्स के साथ ऐसा हो चुका है। आप खुद देखिए, आपको कई ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे जिनकी चोट पर NCA में काम हुआ होगा और वो फिर से उसी चोट से पीड़ित हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रिहाब के लिए NCA जाना जरूरी है? कहीं बाहर इलाज नहीं करा सकते? इस मामले पर क्लैरिटी के लिए हमने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देवेंद्र पांडे से बात की। देवेंद्र ने हमें बताया, पहले छूट दी, पर अब पहले NCA को इन्फॉर्म करना होगा, वो बताएंगे आगे क्या करना है। यानी जैसा बोर्ड और NCA चाहेगा खिलाड़ी को उसे फॉलो करना होगा, और अगर ऐसा होने के बाद भी प्लेयर्स की चोट ठीक नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं सिस्टम में समस्या तो है, और अगर समस्या है तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही? चलिए आपको कुछ उदाहरण देते हैं। श्रेयस अय्यर, बांग्लादेश के खिलाफ दिसंबर 2022 में खेली गई सीरीज के दौरान श्रेयस अय्यर के लोअर बैक में स्वेलिंग आ गई थी, जिसके लिए उन्हें NCA में इंजेक्शन दिए गए। इस सीरीज के बाद वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आए और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज भी खेले, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जनवरी से होने वाली वनडे सीरीज के एक दिन पहले श्रेयस की कमर की चोट फिर उभर आई और वो इस सीरीज से बाहर हो गए। इसके बाद फिर से श्रेयस को NCA में निगरानी में भेज दिया गया। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, और जब वो NCA के पास क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए गए तो उन्हें कमर की चोट से उभरने के लिए और अधिक रिहाब की सलाह दी गई। श्रेयस को उम्मीद थी कि बेंगलुरु से वो सीधा नागपुर पहुंच टीम इंडिया से जुड़ जाएंगे, लेकिन पहले टेस्ट के लिए वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं पा सके। हालांकि इसके बाद NCA ने उन्हें दिल्ली टेस्ट से पहले टीम से जुड़ने की परमिशन दे दी, और वो दिल्ली, इंदौर और अहमदाबाद टेस्ट के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल हो गए। लेकिन अहमदाबाद में उनकी पुरानी चोट फिर से उभर आई। यानी NCA में जिस चीज का इलाज उन्होंने इतने समय तक करवाया, वो चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जसप्रीत बुमराह, साल 2022 में हुए एशिया कप से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह की कमर में चोट लग गई। तब मामला इतना गंभीर नहीं लग रहा था। इसके बाद उन्हें अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में चुन लिया गया।
उन्होंने वर्ल्ड कप में जाने से पहले अपनी फिटनेस परखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो T20 मुकाबले खेले, लेकिन उन मुकाबलों के 3 दिन बाद ही वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 का हिस्सा नहीं बन सके। उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया, पता चला कि उनकी वही पुरानी स्ट्रेस इंजरी फिर से जोर पकड़ रही है। अगले ही दिन उन्हें NCA ले जाया गया, वहां स्कैन में ये पता चला कि उनकी चोट काफी गंभीर है। अब उनका नाम T20 वर्ल्ड कप वाली लिस्ट से बाहर कर दिया गया। नवंबर में फिर उनका रिहैब हुआ, दिसंबर के बीच उन्होंने फिर से गेंदबाजी शुरू करी। उनकी वापसी NCA को अच्छी लग रही थी, बोर्ड ने उनका नाम श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए अनाउंस भी कर दिया। लेकिन फिर NCA में मैच सिमुलेशन एक्सरसाइज शुरू हुई और वो इस सीरीज से भी बाहर हो गए। बुमराह को एक और झटका तब लगा जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले उनका स्कैन हुआ और वो इस सीरीज से भी बाहर हो गए। जसप्रीत बुमराह ने 25 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी T20 मैच खेला था। बुमराह को लेकर अब खबर आ रही है कि वो न्यूजीलैंड में बैक सर्जरी करवाएंगे और 2023 में अगस्त के महीने से फिर गेंदबाजी शुरू कर सकते हैं। दीपक चाहर के लिए साल 2022 की शुरुआत से ही चीजें ज्यादा बिगड़नी शुरू हो गई थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ फरवरी महीने में ही उन्हें जांघ में समस्या हुई, इसके बाद उन्हें NCA ले जाया गया, वो क्रिकेट के मैदान से दूर हो गए। अप्रैल के महीने में उन्हें कमर में चोट लगी और वो पूरे IPL से बाहर हो गए। इस चोट में अजब ये था कि ये उन्हें चोट से उबरते हुए NCA में ट्रेनिंग के दौरान आई थी। ये चोट इतनी गंभीर थी कि अगले 4 महीने के लिए वो फिर टीम से बाहर हो गए। अगस्त में दीपक चाहर ने ट्रेनिंग शुरू करी और इसी महीने में वो जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम में चुन लिए गए। इस दौरे के बाद वो सितंबर में एशिया कप में भी टीम के स्टैंड बॉय के तौर पर गए और अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक मुकाबला खेला। लेकिन असली समस्या अक्टूबर में शुरू हुई जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान उनका पैर ट्विस्ट हुआ और वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए। इस दौरान उनकी कमर की चोट फिर से उभर आई और इसके चलते T20 वर्ल्ड कप 2022 में बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखे जा रहे दीपक चाहर T20 वर्ल्ड कप टीम से भी बाहर हो गए। हालांकि इसके बाद वो नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ और दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में खेले, लेकिन चाहर की चोट ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान दीपक चाहर को हैमस्ट्रिंग की समस्या हो गई, जिसके चलते इस मैच में वो सिर्फ 3 ओवर गेंदबाजी कर सके और सीरीज के आखिरी वनडे से बाहर हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के ये वो खिलाड़ी हैं जो टीम मैनेजमेंट के लिए बेहद अहम हैं। इन खिलाड़ियों ने दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाकर अपनी चोट पर काम किया है, लेकिन फिर भी इनकी समस्या दस की दस बनी हुई है। आज के शो में बस इतना ही। ये शो आपके लिए लिखा है विपिन ने। स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।